SBI presents Tokyo Olympic 2020, The Banker to Every Indian. नीरज चोपड़ा पानीपत के खांडरा गांव में जन्मे। गांव वाले उन्हें सरपंच कहते थे। वजह उनका वजन था। लड़कपन में नीरज 80 किलो के हो गए थे। वजन घटाने के लिए ही उन्हें खेल मैदान में भेजा गया। 15 साल के नीरज तब बास्केटबॉल में खूब दिलचस्पी लेने लगे थे, लेकिन एक दिन बास्केटबॉल खेलने में उनकी कलाई टूट गई। यह टर्निंग पॉइंट था। चोट से उबरने के बाद कोच ने उन्हें भाला फेंकने को कहा। नीरज के थ्रो ने कोच जयवीर सिंह उर्फ मोनू को भी चौंका दिया था। नीरज जेवलिन थ्रो में परफेक्ट थे। नीरज ने इसे ही पैशन बना लिया। आज इस खेल में उनका परचम लहरा है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में एक सुरमा ऐसा भी है जिसने मेडल की गुरु दक्षिणा दी। अपने उस्ताद की खोई साख की खातिर उस शागिर्द ने सब कुछ झोंक दिया। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए दहिया, द सन ऑफ छत्रसाल। मई 2021 रात 1 बजे छत्रसाल स्टेट जमीन पर कराहता सागर धनकर और हॉकी स्टिक से तनातन वार करता सुशील कुमार। 20 सेकंड का ये वीडियो सामने आया जिसके बाद सुशील, अदावत, सागर धनकर मर्डर, वर्चस्व की जंग, पहलवान और अपराध के गठजोड़ की हकीकत बेपर्दा हो गई। जिस वीडियो में सुशील कुमार सागर धनकर को पीटते हुए दिख रहा है, वो वीडियो खुद सुशील कुमार ने शूट करवाया था, जिसे बाद में दिल्ली पुलिस ने बरामद किया। ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस के पिंजरे में पहुंच गया तो उसके गैंग का कच्चा चिट्ठा खुल गया। गैंगस्टर से उसकी सांठगांठ के किस्से सामने आने लगे। इंटरनेशनल रेसलर के दिल्ली से मलेशिया तक के कनेक्शन ने सबको हैरान कर दिया। एक से एक हिस्ट्री शीटर सुशील कुमार के दोस्त और दुश्मन निकले। काला जठेड़ी अनिल बावनिया जैसे कुख्यात गैंगस्टर से ओलंपियन रेसलर के तार जुड़े मिले। सुशील कुमार जेल की सलाखों के पीछे चला गया, जिसके साथ अज्ञातवास में चले गए छत्रसाल स्टेडियम के महाबली सतपाल। दंगल के दांव सिखाने वाले सतपाल सिंह अपने चेले सुशील की करतूत से दहल गए थे। महीनों वो अज्ञातवास से बाहर ही नहीं निकले। फेसबुक पर सतपाल सिंह ने आखिरी पोस्ट 29 अप्रैल को लिखी। ट्विटर पर उनकी आखिरी पोस्ट 2 मई की थी। पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 1982 एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट सतपाल सिंह को इस सदमे से उबारा उनके दूसरे शागिर्द ने। नाम है रवि दहिया। टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल का दंगल भी रवि दहिया के नाम होता अगर उनके साथ हादसा ना होता। रवि दहिया की भिड़ंत सेमीफाइनल में कजाक रेसलर नूरिस्लाम सनायेव से थी। अखाड़े में कजाक पहलवान भारी पड़ रहा था। रवि दहिया शुरुआती कुछ मिनट तक नूरिस्लाम के पैंतरे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब हिंद केसरी ने कजाक पहलवान को दबोचा तो वो बेईमानी पर उतर आया। नूरिस्लाम सनायेव को रवि दहिया ने जकड़ लिया तो उसने दांत काटना शुरू कर दिया। रवि दहिया के दाहिने हाथ पर नुकीले दांत से हमला कर कजाक रेसलर पकड़ ढीली करना चाहता था, मगर भारतीय सूरमा ने दर्द की परवाह किए बगैर नूरिस्लाम को नाक रगड़वा दी। सबसे रोमांचक मुकाबले के आखिरी 6 सेकंड धड़कने बढ़ाने वाले थे। इतने कम वक्त में रवि दहिया ने पूरा खेल पलट दिया। कजाक पहलवान को चारों खाने चित कर पटखनी दे दी। रवि दहिया का जीत का जश्न जब देश मनाने लगा, तब उनके गुरु सतपाल सिंह ने भी अपने शिष्य को बधाई दी। 5 अगस्त रात 9:56 पर सतपाल सिंह ने सोशल मीडिया में ये मैसेज लिखा। मेरे शिष्य रवि दहिया को ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने की बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। सतपाल सिंह को रवि दहिया ने कुछ हद तक सुशील के दिए सदमे से उबार लिया, क्योंकि रवि दहिया से सतपाल सिंह का नाता सुशील कुमार से कम नहीं। रवि दहिया 10 साल की उम्र से ही दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। रवि कुमार दहिया को पहलवान बनाने के पीछे की मेहनत किसी और ने नहीं की बल्कि उनके पिता ने की है। आर्थिक तंगी के बावजूद राकेश कुमार दहिया ने बेटे की ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। रवि के पिता राकेश हर रोज गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित छत्रसाल स्टेडियम में दूध और फल पहुंचाया करते थे। रवि कुमार दहिया की प्रतिभा साल 2015 में पहली बार सामने आई। उन्होंने जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था।
फिर साल 2018 में उन्होंने वर्ल्ड अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता। साल 2019 में रवि दहिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिलेक्शन में सीनियर रेसलर उत्कर्ष काले और ओलंपियन संदीप तोमर को मात दी। साल 2020 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि दहिया ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। सोनीपत के सूरमा ने टोक्यो के अखाड़े में अनोखी मिसाल कायम की। खेल के दूसरे पहलवान की बेईमानी के बावजूद दहिया ने दंगल जीता, जिस जीत ने एक बार फिर कुश्ती का गौरव लौटाया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।